रीना फिल्म्स के तहत एक फिल्म बनी है ससुरा धोखेबाज, जिसकी निर्मात्री रीना सिंह जी हैं। और चूंकि महिला निर्मात्री ने फिल्म बनाई है तो महिलाओं के एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट को जोर दिया है और महिलाओं के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से समझा है, जिसको इन्होंने इस फिल्म में प्रस्तुत किया है। और एक डिफरेंट फिल्म है, आम रेगुलर फिल्म जो भोजपुरी की बन रही है आजकल वो नहीं होके एक हट के फिल्म बनाई गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक इसको बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि फिल्म एक अलग हटके है और इसमें नायिका हैं हमारी रिमझिम, और इसके निर्देशक हैं कुमार विजय। काफ़ी वर्षों से फिल्म में से जुड़े रहे हैं, हमारे साथ भी इन्होंने काम किया है एज एन एक्टर भी, एज एन डायरेक्टर भी। और रघुशन जी, फिल्म आपके असिस्टेंट डायरेक्टर विजय जी ने डायरेक्ट किया है जी, कैसा लगा आपको इनका काम? फिल्म बहुत अच्छा लगा, टेक्निकली अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात, मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो रेगुलर भोजपुरी फिल्में बन रही हैं उससे हट के उन्होंने सब्जेक्ट लिया है। और मुझे लगता है कि चूंकि एक महिला निर्मात्री हैं, इसलिए महिलाओं के प्रॉब्लम्स को इन्होंने एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम, जो फिल्म आप देखेंगे, दर्शक देखेंगे तो उन्हें महसूस होगा। अभी मैं पूरी तौर से नहीं बताऊंगा, लेकिन इंटरवल तक आते आते मुझे लगा कि फिल्म एक समस्या पर आधारित है और जो बहुत ही दर्शकों को पसंद आएगी। आप क्या कहेंगे? आपकी फर्स्ट मूवी सबको बस मेरी तरफ से नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप अपना पहले पूरा नाम बताइए। रिमझिम। रिमझिम, हाँ, झारखंड प्लामू की रहने वाली हूँ, डाल्टनगंज की। इतना कड़ा सब्जेक्ट कैसे आप करने का तैयार हो गए? कड़ा सब्जेक्ट क्या है, एक आर्टिस्ट के लिए कोई मतलब ये मुश्किल नहीं होता है। कोई सब्जेक्ट के अपने अंदर की वो होना चाहिए, मतलब हिम्मत होना चाहिए। डायरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? डायरेक्टर सर बहुत अच्छे, मैं पहले भी बोली थी, अभी बोलती हूँ और एनी टाइम बोलूँगी। डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो उनकी डायरेक्शन की मतलब काबिल तारीफ है, बहुत ही अच्छे हैं। आपके जो को आर्टिस्ट हैं उनको हम बताएंगे? हाँ, वो भी बहुत सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे हैं सब लोग, मतलब इस टीम में जितने भी काम किए हम लोग, सब लोग अच्छे हैं। एक रियल पति आपके बाजू में खड़ा है? नहीं नहीं, ये रियल पति नहीं है, ये नामर्द है। क्या भाई, आपके ऊपर हीरोइन नामर्द का आरोप लगा रही है, कहेंगे? सबसे पहले सबको नमस्कार प्रणाम। रियल लाइफ में तो नहीं है? नहीं, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि कुमार विजय सर ने जिस काबिल समझा है, मैंने उसको करने की कोशिश की है, पहली बार ऐसा मैंने किया है और जैसा रोल दिया गया वैसा मैंने निभाने की कोशिश की है। बाकी आप सब देखेंगे फिल्म को तो बताएंगे कि मैंने किस लायक काम किया है। आप कहाँ के रहने वाले, पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम इमामुद्दीन उर्फ बबलू करंट के नाम से मैं जाना जाता हूँ संगीत लाइन में, और मैं उत्तर प्रदेश सोनभद्र का रहने वाला हूँ। और बेसिकली मैं सिंगिंग भी करता हूँ और एक्टिंग भी मैंने की है। इस फिल्म में मैंने जो एक गीत है मैंने गाया भी है और लिखा भी है और एक्ट भी किया है, और आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद रहा। तो रिमझिम के साथ कैसा रहा आपका? इनके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा और ये कोऑपरेट करती हैं और बहुत मज़े से, बहुत अच्छे से हम लोगों ने काम किया, एक परिवार की तरह जो है, बहुत ही अच्छे इसलिए। और कुमार विजय जी का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने एक एक कलाकार को बहुत अच्छे से कराया है, और जो आप सब देख रहे हैं जो भी मेहनत है उनका मेहनत है। इनके बारे में कुछ बुराई कर सकती हैं? नहीं, बहुत अच्छे हैं, इतना मेहनत किए हैं ये, इतना मेहनत किए हैं, मतलब पहाड़ी पे हम लोग कितने फीट ऊपर थे, 500 होंगे, उस पे जाकर पानी नीचे से ला ला के हम लोग को पिलाया करते थे। सॉन्ग जब था, वैसे मैं अतुल जी के साथ मेरा सॉन्ग था, लेकिन ये उस टाइम बहुत मेहनत किए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्शन के मालिक रीना मैडम और राजेश सर को बहुत ढेर सारी बधाई देंगे, और उसके बाद विजय सर का जो पिक्चर में योगदान रहा है उनको बहुत ढेर, उनसे ज़्यादा बधाई, तीनों हैं उनके लायक बधाई के जो इस काबिल समझे और हम कैमरा चलाए, और आज पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है देख के। डायरेक्टर प्रोड्यूसर को किस तरह शुभकामना देना चाहेंगे?
अब शब्द नहीं है इतने ज़्यादा कि हम क्या कह सकते हैं उनको। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं जो मुझे इस काबिल समझा और सोनभद्र की धरती में इतनी बड़ी फिल्म लेके आ रहे हैं। ये पहली फिल्म होगी सोनभद्र के लिए, ये हम लोग को बहुत बहुत गर्व की बात है हमारे फिल्म जगत के लिए। ससुर जी बहुत बहुत स्वागत है। ससुर जी यहीं है, कभी सिनेमा के अंदर उछड़ उछड़ लगा के बैठे हुए हैं, और ज़रा बताएंगे क्या रोल है पूरा बताएंगे। मेरा नाम आशीष खाम्बे, मैं उत्तर प्रदेश सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज का रहने वाला हूँ। हमारी मुलाकात विजय जी से हुई और इस फिल्म के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी निर्मात्री रीना जी, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और इन्हीं के डिटर्मिनेशन था, इन्हीं की पूरी सोच थी, इन्हीं की ताकत थी जो आज हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग पिक्चर आज कंप्लीट कर सके हैं। और इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि मैं ये पार्ट कर सकूं ठाकुर विक्रम सिंह का। अपनी तरफ से हमने पूरा प्रयास किया है कि हम इसको बाखूबी निभाएं, और बाकी तो जनता जनार्दन पे है कि वो हमारे रोल को किस तरीके से पसंद करती है। और हमारे डायरेक्टर साहब कुमार विजय जी, उनकी इतनी मेन भूमिका है इस पूरी फिल्म में कि उन्होंने, उनके ऊपर मुझे एक बात याद आती है और एक शेर भी याद आता है। जब हम दोनों काम कर रहे थे तो वो हम लोग डिस्कस करते थे, कभी ऐसा हुआ कि हल्का सा कहीं टेंशनाइज हुआ तो मैंने उनको यही कहा कि उठ बांध कमर की, उठ डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। तो ऐसे हिम्मत और हौसले से हम लोग लगे रहे और आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। आप लोगों के मोहब्बत और आशीर्वाद बना रहे, मिलता रहे, हम लोग आपको आगे और ऐसा करके दिखाएंगे। हमारा नाम लाल सुंदर उपाध्याय है, सभी को नमस्कार। ये फिल्म के हम पूरे फाइनेंस हमी ने किया है। ये मैडम हमसे बोली कि हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं औरत के ऊपर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर। हमने कहा बनाइए, मैं आपका मदद करता हूँ, तो मैंने फिल्म को फाइनेंस किया। तो फिल्म आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे? हम रहने वाले बिहार के हैं, हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड में सर्विस करते हैं। और मैडम बोली कि हमारा फाइनेंस करें, तो मैंने फाइनेंस किया। बिल्कुल, इनके लिए मेरे लिए पूरा शुभकामना है, आगे भी है अभी भी है। जी सर, मैं ठीक हूँ। कैसे आपके दिमाग में कैसा है कि इस तरह का सिनेमा बनाना चाहिए? सर अभी कुछ ऐसा घटना घटा है या स्टोरी? नहीं सर, अभी हम अभी समाज में देख रहे हैं जो लड़कियों पे बहुत जुर्म हो रहे हैं और वो समाज में नहीं आ पा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि समाज में ना वो हकीकत चीज़ लाने की कोशिश करूँ मैं। लोग कि भोजपुरी में लोग बहुत देख लिए, बहुत गंदे गंदे शब्द भी आते हैं, गंदे गंदे फिल्में भी बनती हैं, और मैं चाहती हूँ कि भोजपुरी में कुछ ऐसा चीज़ लाऊँ कि भोजपुरी फिल्म लोग घर में देखें और परिवार के साथ मिल करके देखें। नहीं सर, उन लोग को तो हमेशा मौका मिल जाता है, छोटे कलाकार लोग को मौका नहीं मिलता है। और छोटे कलाकार लोग को मैं मौका देना चाहती हूँ, उन लोग को भी आगे बढ़ने के पंख देना चाहती हूँ कि आगे उन लोग निकले। उन लोग तो कोई भी ले लेगा। भोजपुरी में किस हीरो की फिल्में ज़्यादा देखती हैं आप? वैसे मैं सबकी देखती हूँ, पवन सिंह के ज़्यादा देखती हूँ क्योंकि पवन सिंह मैं शुरू से ही पसंद करती हूँ। बाकी ये तीनों निरहुआ भी हैं, खेसारी लाल भी हैं, इन सबके देखती हूँ। ज़्यादातर दिनेश लाल यादव का पारिवारिक पिक्चर मैं ज़्यादा देखती हूँ, और पवन सिंह का गाना मुझे अच्छा लगता है बस। और भोजपुरी बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर अभी भोजपुरी फिल्में थोड़ी अभी डगमगा गई है, थोड़ी अभी अच्छे आने पे उम्मीद करना चाहिए कि अब अच्छा आए। आपके डायरेक्टर विजय कुमार जी कितना आपके काम पे खरे उतरे हैं? ये 100% 100% कलाकार का नाम बताएंगे, कौन कौन से कलाकार हैं इसमें? मेन हीरोइन में है रिमझिम, और मेन में ही है दो हीरो इसमें है, अतुल श्रीवास्तव, बबलू करंट। कब तक हम लोग रिलीज कर सकते हैं? ये आ जाएगी फरवरी में आ जाएगी। कितने गाने हैं, कौन बनाया? ये गाना है, इसमें 6 गाने हैं और इसमें हम नए लिए हैं, पुराने भी नहीं है, इसमें नए गाना ही लिए हैं। अपना नाम लिखें। नमस्कार, मैं राजेश शुक्ला, और मैं लाल सरन जी, उपाध्याय जी के और मैडम के बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी मूवी बनाई इन्होंने, और इसमें हमारे कुमार विजय सर जो हैं बहुत ही परफेक्ट वो काम कराए हम लोगों से। मैं एक आर्टिस्ट के रूप में इसमें हूँ, और हमें यही उम्मीद है कि आप लोग शायद पिक्चर देख कर के आप लोग सर ये देखिए फरवरी में आ जाना चाहिए। जी बोलना पड़ेगा ना भाई। कैसे आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले अपने दर्शकों को प्रणाम, अविनाश शाही का।
आज हम भोजपुरी फिल्म ससुरा धोखेबाज के ट्रायल पे आए हुए हैं। बहुत अच्छी फिल्म बनी है ये, और इसके डायरेक्टर हैं कुमार विजय जी, जो बहुत ही मेहनती और वेरी गुड टेक्नीशियन है। और ये फिल्म की स्टोरी कमाल की लगी मुझे अभी, मतलब कुछ गजब का मूड आया फिल्म में। बहुत अच्छी फिल्म है, और ऐसी फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री में बननी चाहिए और बनती रहे। हमारे समाज को एक सीख मिलेगी, उद्देश्य मिलेगी, और बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों से कि आप फिल्म को ज़रूर देखिएगा, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। जी 2019 में हमारी बहुत सारी फिल्में आ रही है, जिसमें है पृथ्वीराज, इश्क वाले है, उसके बाद पवन भैया के साथ है सजना पे दिल आ गई, मितवा जन्म जन्म के है, हिंदी फिल्में हैं। तो आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा मुझे, और हमेशा मिलता रहेगा, और मैं बेहतरीन फिल्में आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बस नमस्कार, मैं सारे हमारे दर्शक, हमारे प्यारे मित्र को नमस्कार करना चाहूँगा, खास करके आपको भी मैं, कि आप यहाँ आए हो और एक बहुत ही साफ सुथरी फिल्म बनी हुई है। ये फिल्म ससुरा धोखेबाज बहुत गजब की है और नारी प्रधान फिल्म है। जी नहीं, मैं नहीं हूँ, हम वो करेक्ट करता हूँ, बट बहुत अच्छा लगा फिल्म। और जब एक महिला अपने आप पे जब बीतता है, नहीं नहीं ऐसा डर नहीं लगता है, क्योंकि देखो समाज में इतनी बुराई है, तो कुछ बुराई हम पर्दे पे लाना चाहते हैं ताकि लोग समझें उसके, और उससे एक वो बनता है। लेडीज़ जैसे हैं, हमारी बहन है, माँ है, ये फिल्म ज़रूर देखना चाहिए उनको, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म बनी हुई है। और डर का बात कुछ ऐसा नहीं है, हम करेक्टर करते हैं, बस ऐसा कुछ हमारे अंदर नहीं रहता है, हम एक करेक्टर को जिंदा करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छा कर लें, बस यही बात, बाकी कुछ नहीं है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मैं जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी ऑडियंस है, भोजपुरिया समाज है, सबको भाई प्रणाम करता हूँ मैं। बोलिए सर जी। ये तो बड़ा अपन है सर, आप लोगों का मोहब्बत है। पहली फिल्म आपकी? जी जी, ये मेरी पहली फिल्म है सर। कुमार सर के साथ काम करके बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम चाहेंगे कि ये फिल्म आप लोग देखें, बहुत अच्छी मूवी है और काफ़ी मेहनती हैं, बहुत खूबसूरती के साथ काम किया उन्होंने, और उनके साथ काम करके मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ है। बहुत बढ़िया एक्टिंग करती हैं वो। भोजपुरी में किस हीरो को ज़्यादा फॉलो करते हैं? देखिए भोजपुरी में जो निरहुआ हैं, पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, तीनों स्टार, रवि किशन जी हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? उन लोगों के बारे में बस यही कहना चाहेंगे कि बस वो काम करते रहें, पीछे से हम लोग भी आ रहे हैं, हम लोग की भी एंट्री हो रही है, और हम लोग के ऊपर भी उन लोग का प्यार और मोहब्बत बना रहे। क्या किरदार है इस फिल्म में? इस फिल्म में हम किरदार आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि यही सस्पेंस है, वो आप मूवी देखेंगे। जितने का नाम है ससुरा धोखेबाज। जी जी, आप धोखेबाज नहीं हो फिल्म में? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं धोखेबाज नहीं हूँ, और एक अच्छा प्रयास है। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि दोस्त, आप इस मूवी को देखें और ऐसी मूवी को आप बढ़ावा दें, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे एक बेटी के ऊपर कहानी है, और बहुत अच्छी मूवी है। आजकल ऐसे हालात हमारे देश में पैदा हो गए हैं कि बेटियों को थोड़ी सी हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। उन लोगों के लिए मैं खास कर ये कहूँगा कि वो मूवी देखें और इस मूवी से सीख लें कि बेटियाँ आज मिट्टी को छूते हुए आसमान पे जा रही हैं। बहुत अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और माय डियर हैं हम लोगों के साथ, कंधे से कंधे मिला के चलते हैं, हमारे हर चीज़ का मतलब ख्याल रखते हैं। विजय जी आपके साथ आ चुके हैं। जी जी, नहीं तकलीफ की तो बात बहुत देते हैं, बहुत काम कराते हैं, बहुत वर्कलोड देते हैं, पूरा प्रेशर देते हैं, लेकिन इनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि उसमें मज़ा आता है। आज अपने आप को मूवी में देख के काफ़ी खुशी हुई कि ऐसा वर्कलोड हम चाहेंगे सर, डबल दीजिए, ट्रिपल दीजिए, ऐसा हम लोग से मेहनत कराइए। उसमें तो लगता है कि क्या करा रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन आज अपने आप को मूवी में देख के ऐसा लगता है कि काश और कराए होते। जी सर, क्या कहें, सही बोला झूठ बोला? नहीं सही बोला। आप फिल्म का डायरेक्शन किए हैं, आपकी दूसरी सिनेमा है जो रिलीज होने में जा रही है, कितना अंदर से खुशी महसूस कर रही है? खुशी तो सर है। रो तो नहीं रहा अंदर से? नहीं रो नहीं रहा सर। तो इस तरह का सब्जेक्ट करने में कितना को परेशानी हुई महिलाओं को? परेशानी तो हुई सर। कुछ कहेंगे दर्शकों से? ऐसे ही कहूँगा, एक नया शुरुआत है, एक नया प्रयास है,
और अपना आए देखे और हमें अपना प्यार दे। और कलाकारों का नाम बताएंगे सबसे कौन-कौन है इस फिल्म में? हाँ, इसमें अतुल श्रीवास्तव जी हैं, बबलू करंट है, रिमझिम जी हैं, आनंद मोहन जी हैं, मंदनी मिश्रा जी हैं, आशीष खांबे जी हैं और राजेश शुक्ला जी हैं। सबसे अच्छा किरदार कहाँ पे सिनेमा में चल रहा है, कौन पे कर रहा है बताएंगे? कराया तो मैंने सबसे अच्छा है, अब कैसे किसी एक को बोलूं? एक लीड कैरेक्टर होता है तो इसमें लीड कैरेक्टर का अगर बताएंगे खुलासा करेंगे किरदार के बारे में? आशीष कांबे। आशीष जी के बारे में बताइए, कैसे उनका सुना आपने किया? वो मुझसे मिलने आए सोनभद्र में, मैंने उनको देखा, वही मूछे वही ताव और उनसे बातें हुई तो मुझे लगा कि करेक्टर सही है, इनसे करा लिया जाएगा और बहुत इंटरेस्टेड भी थे इसलिए उनका चुनाव किया और करा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सर। देखिए आज तो इसका प्रीव्यू हुआ है, अब बाकी सब इसको करते धरते एक महीना लग जाएगा, माने फरवरी के एंड में या मार्च में ये पिक्चर आ जानी चाहिए। एकदम बिल्कुल कहे ना नहीं भाई, छोड़ के भाग गई रील से रियल में निभाने की कोशिश करूंगा। छोड़ के भाग दिया तो मीटू के छली छोड़ दिया। बस आप लोग ज्यादा पब्लिसिटी नहीं कीजिएगा तो संदेश देना यही चाहते हैं कि चिड़िया होती हैं बेटियां, चिड़िया होती हैं बेटियां मगर पंख नहीं होते बेटियों के, मायका भी होता है ससुराल भी होता है मगर घर नहीं होते बेटियों के, मायका कहता है कि पराई हैं बेटियां, ससुराल कहता है कि ये पराई घर से आई हैं बेटियां, आए खुदा अब तू ही बता किस घर के लिए बनाई हैं बेटियां। क्या बात है। बस दोस्तों जो भी हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, बेटियों को सम्मान दे, उनके सपनों को हौसला दे, पंख दे ताकि वो देश के काम करें और उनके अरमानों को कुचलिए मत आप लोग। बेटियां जो है आज देखिए ये भी ये बेटी हैं और आज फिल्म की हीरोइन है हमारी, कितना अच्छा काम कर रही हैं, तो अपनी बेटी को आप लोग एक बुलंद आवाज़ दें और जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें, उनके फ्रीडम का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच जितना भी हमारा ऑडियंस, थैंक यू। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी मूवी बहुत ही अच्छी बनी है, प्लीज़ ये नारी प्रधान है सिर्फ बेटियों के लिए कि किस बेटी कैसे मतलब स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची, क्या है क्या है कैसे है, प्लीज़ आप उसे देखना ना भूलें। बिल्कुल बिल्कुल, और बेटियां बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे देश के लिए, हमें नाज है उन बहनों पे उन बेटियों पे, और हम चाहते हैं जो लोग बोझ समझता है उनसे भी कहूँगा कि दोस्तों नाच करो, वो बेटी बेटी है, जो बेटा नहीं कर सकता वो बेटी करके दिखाएगी और इसका जीता जागता नमूना है, मिसाल है, आप देखिए पढ़िए और आगे बढ़िए, अपनी मानसिकता और सोच को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच संजय सर, थैंक यू। फर्स्ट क्लास है, मजे में है, मजे में है। I love you, नहीं love you. Love you. आज फिल्म देखा आपने ससुरा धोखेबाज, और आप ससुर कैरेक्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, काश मैं भी चाहूँगा मुझे भी मौका मिले ससुर बनने का, मेरी भी इच्छा है कि मैं ससुर बनूँ। क्या अभी इंटरवल खत्म हो गया, कैसा लगा? पिक्चर मुझे अच्छी लगी और कलाकारों का जो चयन आपने किया है बहुत ही अच्छा किया है, और इन्होंने जो कलाकारों ने जो एक्टिंग की है वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, लगा नहीं कि किसी नए कलाकार के साथ मूवी बनी हुई है, पिक्चर मुझे बहुत ही अच्छी लगी। स्टार खुले के बनाते हैं, कभी नया स्टार खुले के बनाने का? बिल्कुल बिल्कुल, आगे मौका मिलेगा तो मैं बनाऊंगा, मेरी खुद की हार्दिक इच्छा है कि मैं बनाऊं। तो अभी इसके बाद कुछ नया कुछ बनाने वाले हैं? हाँ, अभी हमारी नेक्स्ट मूवी की प्लानिंग चल रही है, दो मूवी एक साथ जो है प्लानिंग चल रही है, उसकी कहानी वगैरह लिखी जा रही है, थोड़ा उसमें वक्त लगेगा, फिर वक्त जब पूरा होगा तो कहानी पूरी हो जाएगी, तो उसकी शूटिंग हम लोग करेंगे। अनवर बिरानी जी को हीरो ले सकते हैं उसमें? ये तो अनवर बिरानी जी ही बताएंगे। अनवर जी बताइए। मुझे हीरो नहीं बनना है, बलम जी आई लव यू हिट हो गई है, अब ये दो फिल्म बना रहे हैं आनंद जी, और मैं आनंद जी को मेरे अच्छे करीबी दोस्त है आनंद जी, और आनंद जी बड़ी फिल्म भी बनाएंगे। ससुरा धोखेबाजी के बारे में डायरेक्टर को शुभकामनाएं देंगे? मैं विजय जी को शुभ मतलब गुड विशेज दूंगा, उन्होंने एक सब्जेक्ट अच्छा ढूंढा जो मैं बहुत टाइम से मैं ही बनाने के लिए सोच रहा था, मैंने काफ़ी लोगों को बोला था ये सब्जेक्ट के बारे में लेकिन डायरेक्टर को समझ में नहीं आया। आई विश फिल्म मेरे ऑफिस के थ्रू रिलीज हो ऑल ओवर इंडिया, मैं चाहूंगा। तो आज ही अनाउंस कर दे कि मैं खरीद लिया हूं। पिक्चर इंटरवल के बाद देखूंगा मैं, लेकिन कोशिश ये रहेगी मेरी खरीदने की। थैंक यू सर। ओके, कैसी आप? बस ठीक ठाक हूं मैं। आई विश वांट टू विश एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी लोरी, आज लोरी है और अच्छा दिन है,
तो विजय मेरे साथ बहुत फिल्मों में असिस्टेंट रहा है, ये इसकी फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ हिम। मैंने अनवर जी के साथ भी काम किया है, विजय ने अनवर जी को अप्रोच किया और मैं अनवर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक फिल्म ज़रूर पूरी तरह से देखें एंड हो सके तो अच्छी रिलीज़ भी करवाए, बिकॉज विजय इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय एंड मैंने थोड़ी बहुत फिल्म देखी है अभी एंड मुझे अच्छी लगी है एंड आई होप कि बाकी फिल्म भी अच्छी हो। मुझे लगता है मासेस जो नॉर्मल ऑडियंस है जो ऐसी फिल्में अच्छी लगती है उनको, तो आई एम श्योर ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। सोशल मैसेज है इसमें और मुझे अच्छा लगा कि मैसेज के द्वारा एक अनाथ लड़की की स्टोरी है और एक मैसेज दिया जाता है ऑडियंस को कि भी आप लड़की को एक मतलब आप एक कचरा या कूड़ा या ऐसा कुछ मत समझे और लड़की के साथ बर्ताव अच्छा करे और औरत अगर ज़िद पे आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती है, तो ये दिखाया है एंड ये बहुत अच्छा मैसेज है। तो मैं चाहती हूँ कि विजय भी मिल मैं इसकी बहन हूँ तो मैं चाहती हूँ कि विजय का भी अच्छा हो। इस फिल्म की तो जी विजय जी की रियल में वाइफ है जी, उनको भाभी है मेरी तो ऑफकोर्स 100% दूंगी, लेकिन अच्छा लगा, मुझे नहीं मालूम था इतना अच्छा नाचती भी हैं, तो बहुत अच्छा नाची भी है, तो वेरी गुड, विश बोथ ऑफ देम ऑल द बेस्ट एंड मेरी तो शुभकामना है अनवर जी फिल्म में ले तो बस हो गए, वैसे ही बेस्ट विशेज हो गए। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और दर्शकों की बहुत बहुत नया साल का बहुत बहुत मुबारक हो। आज लोहड़ी भी है जी जी, बल्ले बल्ले करनी है। आज आपकी फिल्म का स्क्रीनिंग चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए अभी मैंने जो फिल्म देखी है वो बहुत ही अच्छी लगी है, एज अ डायरेक्शन में मैंने कुमार जी का काम बहुत बढ़िया लगा, रिमझिम ने बहुत ही अच्छा काम किया है और नई तरीके से कहानी है और डांस का तो जवाब नहीं है रिमझिम का, एक्टिंग एक्सप्रेशन का बहुत ही अच्छा किया है उसने और बहुत अच्छी मूवी बनी है, नारी प्रधान मूवी है और बहुत सारे मैसेजेस इसके अंदर। इस फिल्म की निर्मात्री एक फीमेल है, अभी फीमेल है, क्या उनको कुछ कॉपरेट करते हैं या वो आपको कितना कॉपरेट? नहीं, मैं वो तो काफ़ी कॉपरेट करती हूँ, मैं भी काफ़ी कॉपरेट की हूँ, ऐसी बात नहीं है, और मिलके ही पिक्चर बनी है और नेचर बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है। नहीं सही बोल रही है, रीना जी ने बहुत प्यार और बहुत एडजस्ट कर लिया, नहीं कभी झगड़ा नहीं किया, हम लोग मिलने के लिए तो होते थे कि शाम सुबह कैसे हो हम लोग मिले, बहुत ही प्यार दिया है, बहुत प्यार। कुछ किरदार फिल्म में बताएंगे किसमें? इसमें फिल्म में मैं नेगेटिव करेक्टर है मेरा, एक सौतेली माँ का है और फर्स्ट टाइम मैंने किया है भोजपुरी में और देखिए दर्शकों को कितना पसंद आता है, बाकी जितना भी कराया है कुमार जी ने उससे कराया है और बहुत ही अच्छी मूवी बनी है। कमी है हाँ, क्योंकि इन्होंने वो काम किया जो कि सोनभद्र में किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा जो इन्होंने सोचा और करके दिखाया। आज इनकी बदौलत है जी आज हम सब लोग यहाँ पे खड़े अपनी टीम। नहीं, इनकी बोलना भी गलत है, ये तो बोले जा रहे हमारी तारीफ करने के लिए, तारीफ के लायक है, सब कुछ है, देन इनका है, इनका सोच थी और इनका सबको मिलाने का सोच था, मेरा काम करने का सोच था, इनके वजह से आज फिल्म बन करके आज यहाँ तक आई है और इन्हीं का कथा भी है, इनका ही लिखा हुआ है। वो सब ठीक है मैडम, बढ़िया बोल रही है, लगे कुमार विजय सर अगर नहीं होते तो शायद हम लोग ये काम नहीं कर पाते, उनके बहुत बड़ी योगदान। कितना सपोर्ट करती हैं आपको? हमको जरूरत से ज्यादा, ज़्यादा मैडम सही बोल रहे हैं, कुछ नहीं 100% सही है, झूठ बोले वो भी बता दीजिए, हम बता देंगे, नहीं बोल सकते ना सर, रहना है ना घर में, रहना है ना। डायरेक्टर एक्टर जितने गायक जितने कैमरामैन जितने लोग हैं इन्होंने हमसे मिलाया और हम लोग रियल में पति पत्नी हैं तो हम लोग आपस में मिल करके काम किया, इसलिए बोला उन्होंने सच मत बुलवाइए, कोई और बताया था कि मेरी मैडम, नहीं मैं सच मत बुलवाइए ना तो ये स्टोरी दिमाग में आया बस और इस स्टोरी को मैंने कुमार विजय सर के पास लेके गया, उन्होंने बोला कि हाँ बहुत अच्छी है और इसको बनाएंगे तो दिखेगा पर्दे पे। सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, इतना हार्ड वर्क विजय जी के, आप उससे संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया से संतुष्ट है सर, और डायरेक्टर दूसरा हमको मिलेगा भी, वही बात है, तो नेक्स्ट फिल्म फिर से लगवा रहे हैं, बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल। कब तक अनाउंस करेंगे? अब ये रिलीज होता हम लोग दूसरा लगाएंगे सर, पहले से रिलीज तो कराइए। सर आप क्या कहेंगे रीना दीदी के बारे में? रीना दीदी के बारे में
अब ये प्रोड्यूसर हैं और हम लोग को चैन का, ये हम लोग के लिए, सबके लिए, डायरेक्टर के लिए, एक्टर के लिए, कैमरामैन के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग को उस लायक समझे और हम लोग अगर खड़े उतरे हैं, इनको पिक्चर अच्छी लग रही है, डायरेक्टर काम लगा अच्छा, एक्टर काम अच्छा लगा और कैमरे का काम अच्छा लगा, तो अगर इनके नज़र में हम लोग अगर 100% उतरे तो ये हमारी सौभाग्य है, इनके काम आ सके, इनका पूरा 100% हम लोग दिया, ये यही सब है। और प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, आपको कितना सपोर्ट किया पूरे फिल्म में? पूरा ही सपोर्ट है आपका, सर का है, राजेश सर का है, इनका है और पूरा सपोर्ट है। ये है जी बोल दिया, सपोर्ट नहीं किया। नहीं, ये कहना अलग है, अब कुछ होता है, कोई ना कोई घर का एक मुखिया होता ही है, मुझे बना दी, दोनों मुखिया होंगे तो ही घबराता है, और ये कोई ना कोई घर का मुखिया होता तो इसमें कौन है, तो डिसीजन यही लोग करेंगे। हम लोग को इन्होंने 100% दिया, वर्क करने का पूरा छूट दिया, अच्छा हम लोग काम करने के किए, इन्हीं के बदौलत किया। दर्शकों को यही कहेंगे कि हमको प्यार दें, देखें एक बार, जरूर जाकर देखें, ये मूवी बहुत अच्छी बनी है, एक नारी प्रधान पर पिक्चर बनी है और ये कहानी बहुत अच्छी है, ये घर में कहीं भी इंसान देख सकता है, सब परिवार के साथ देख सकता है। इसमें गंदगी कुछ भी नहीं है और हमारी सोच यही है, अगर हमको प्यार मिला तो हम आगे मूवी भी ऐसे ही लेकर के आएंगे कि जो सब लोग मिल करके देख सके, जो बेटी बहन है जो अपने घर में बैठ के नहीं देख सकते, माँ बाप से, भाई से बैठ के नहीं देखते, वो सब लोग परिवार बैठ करके देखेगा, ऐसी मेरी मूवी है।